फैसला आप मध्य प्रदेश के भविष्य का करेंगे। ये फैसला है। तारीख 13 दिसंबर 2018, समय रात के 11 बजे, जगह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। मुख्यमंत्री के लिए पार्टी की तरफ से नाम तय होने के बाद जब कमलनाथ ये बात कह रहे थे तो जाहिर है उन्हें ठीक 39 साल पहले की तारीख 13 दिसंबर 1979 जरूर याद होगी, जब वो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे और उनके प्रचार के लिए खुद इंदिरा गांधी छिंदवाड़ा पहुंची थी। कमलनाथ को गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों का साथ भरपूर मिला। सोनिया गांधी, उन्होंने तीसरा बेटा बताते हुए लोकसभा का छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ाया, तो सियासी इतिहास के पन्नों में संजय गांधी के साथ उनकी दोस्ती के किस्से दर्ज हैं। वहीं सोनिया गांधी और राजीव गांधी के साथ उन्होंने सहयोगी के रूप में काम किया और राहुल गांधी ने उन्हें अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी है। कमलनाथ का जन्म यूपी के कानपुर में हुआ, लेकिन स्कूली पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल में, जहां उनकी पहचान संजय गांधी से हुई और ये दोस्ती बाद में मारुति कार के सपने को पूरा करते करते कमलनाथ के सियासी सफर की वजह भी बनी। संजय गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे और प्रेमचंद दास मुंशी को टक्कर देने के लिए अपने खास दोस्त कमलनाथ को राजनीति में लेकर आए थे। कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि आपातकाल के दौरान जब संजय गांधी जेल के अंदर बंद थे तब कमलनाथ ने जस से बदतमीजी करने के बाद खुद जेल पहुंच गए थे। कमलनाथ पहली बार 1980 में सांसद बने। संजय गांधी की मौत और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या ने कमलनाथ के राजनीतिक करियर को थोड़ा थामा जरूर, लेकिन वो हमेशा ही कांग्रेस और गांधी परिवार के भरोसेमंद बने रहे। 1980 से लेकर अब तक वो 9 बार सांसद रहे, लेकिन केंद्र में मंत्री बनने के लिए उन्हें 11 साल तक इंतजार करना पड़ा। साल 1991 में कमलनाथ सबसे पहले पर्यावरण मंत्री बने। इसके बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय समेत तमाम बड़े विभाग कमलनाथ संभालते रहे। यूपीए के सबसे कठिन कार्यकाल 2014 तक कमलनाथ ने संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। 1980 में जब कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे तो इस क्षेत्र की कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने किसानों से लेकर युवाओं, महिलाओं सहित सभी तबकों के लिए ऐसी योजनाओं की शुरुआत करवाई कि छिंदवाड़ा मॉडल चुनावी मुद्दा बन गया। पर जैसी कई कंपनियां हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं, पूरे देश का इकलौता स्किल सेंटर यहां है, जहां निजी कंपनियां 40 अलग अलग हुनर युवाओं को सिखा रही हैं। और नतीजा ये होता है कि यहां के युवाओं को तत्काल नौकरी मिल जाती है। खेती के अच्छी है, यहाँ के स्थान मतलब किसान की स्थिति अच्छी है। अब फसल में मक्का है, सब चीज में बहुत परिवर्तन आएगा। अभी डैम का पानी भी आ गया अपना। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं और इधर तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, तो इस सेंटर में हमको इधर सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। देख रहे हैं इंटर और मैट्रिक करके लोग जा रहे हैं तो लेबर का नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे करने से सुपरवाइजर का पोस्ट, हाई क्वालिटी का पोस्ट मिल रहा है। ये कमलनाथ जी द्वारा है ये कंपनी और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। कितना समय हो गया आपके पास? सर ये 6 साल हो गया। तो इस दौरान आपको समय पे रोजगार और सब चीजें मिली? हाँ सर, पूरी सुविधा है। छिंदवाड़ा में अपने प्रचार के दौरान कमलनाथ हर बार कहते हैं कि यहाँ से पीढ़ियों का रिश्ता है और शायद इसका सबूत है यहाँ के लोगों के लिए किया गया कमलनाथ का काम।
1600 करोड़ का रिंग रोड और ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट समेत कई बड़े उद्योग और एजुकेशनल सेंटर कमलनाथ के जज्बे की कहानी खुद कहते हैं। भारतीय राजनीति में विकास का जो नारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो छिंदवाड़ा में जमीन पर देखा जा सकता है। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां काम नहीं किया गया हो। शायद यही वजह है कि आज छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इन चार दशकों के दौरान कमलनाथ को 1996 में मुश्किल वक्त का सामना भी करना पड़ा, जब हवाला कांड में उनका नाम सामने आया। हवाला डायरी में नाम आने के कारण कमलनाथ चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने अपनी पत्नी अलकानाथ को मैदान में उतारा। अलकानाथ चुनाव जीती, लेकिन एक साल बाद ही कमलनाथ जब बेदाग साबित हुए तो उन्होंने पत्नी का इस्तीफा दिलवाकर खुद चुनाव लड़ा, लेकिन सियासत के इस महारथी को ये दांव उल्टा पड़ गया। उन्हें बीजेपी के सुंदरलाल पटवा के हाथों हार झेलनी पड़ी। केवल एक बार ऐसा हुआ है जब वो उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा से चुनाव हारे, अब वो भी तब जब उन्होंने अपनी पत्नी अलकानाथ को चुनाव से इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ा था हवाला मामले को लेकर। उसके बाद वहाँ की जनता ने भी ये सोचा कि उनसे गलती हुई, और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ तो कमलनाथ जी लगातार छिंदवाड़ा की जनता के प्रिय बने हुए हैं। 1992 में कमलनाथ रियो द जेनेरो में हुए पर्यावरण सम्मेलन में मुखर वक्ता के तौर पर सामने आए, जहां उन्होंने विकसित देशों की दादागिरी पर सवाल उठाए। मनमोहन मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री रहते हुए G20 और WTO में भी उनके ऐसे ही तेवर देखने को मिले, जब उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2008 और 2013 में कांग्रेस के हारने की बड़ी वजह उसकी गुटबाजी थी, लेकिन ये कमलनाथ का मैनेजमेंट ही था जिसके जरिए दिग्विजय सिंह, ज्योतिराय सिंधिया, अजय सिंह और अरुण यादव एक हुए और बीजेपी को करारी शिकस्त दी। कमलनाथ के प्रचार की एक ही लाइन ने 30 दिनों के भीतर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में आ गई। 2008 और 2013 में कांग्रेस के हारने की वजह उसकी गुटबाजी थी, लेकिन 2018 में ये कमलनाथ का मैनेजमेंट ही था कि उन्होंने दिग्विजय, सिंधिया, अजय सिंह, अरुण यादव जैसे नेताओं को इकट्ठा किया और बीजेपी को मात दी। उनके प्रचार की एक लाइन ने ही 30 दिन में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कांग्रेस के लिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल वाली स्थिति बनते बनते मध्य प्रदेश में वो एक बार फिर सत्ता तक पहुंच गए। झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ, एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। गैस, डीजल, पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी, मिलेंगे पूरे दाम। कानून वो तारीख थी 26 अप्रैल 2018, जब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। उस वक्त की ये तस्वीरें गवाह हैं कि उनके कमान संभालने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से उत्साह में थे और उन्हें आभास होने लगा था कि जीतना कोई मुश्किल नहीं। 8 महीने के बेहद कम समय में कमलनाथ ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में नए सिरे से संगठन का ढांचा तैयार किया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए। इसके साथ ही पार्टी के भरोसेमंद नेताओं को बड़े जिलों की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव के वक्त हर अपडेट राजधानी भोपाल पहुंचता रहा। कमलनाथ के सामने बड़ी चुनौती मीडिया में पार्टी की बात को सही तरीके से पहुंचाने की भी थी, लिहाजा यहां की मीडिया टीम में उन्होंने अपने खास लोगों को जगह दी और दिल्ली से आई टीम को मोर्चे पर तैनात कर दिया। लिहाजा दिल्ली में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले नेताओं का डेरा भोपाल में डल गया, और इसका असर ये रहा कि संगठन की हर बात सही तरीके से मीडिया में जाने लगी। इतने कम समय में उनकी जो सफलता है उसका मुख्य कारण उनकी मीडिया कैंपेनिंग है। चुनाव के दौरान देखिए जी, उनके 40 दिन 40 सवाल बहुत एग्रेसिव रहा। उसके साथ साथ में उन्होंने जो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज यहाँ खड़ी करी थी, प्रियंका चतुर्वेदी को लाया, सुरजेवाला को लाया, अभय दुबे यहाँ लगातार डेरा डाले रहे, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा 24 घंटे यहाँ बने रहे। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि टिकट का हर दावेदार किसी न किसी बड़े नेता से जुड़ा है और चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखता है। लिहाजा दिल्ली में कमलनाथ ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को एक साथ बैठाया और उन 10 सर्वे को सामने रखा जो हर सीट के लिए किया गया था।
नतीजा ये रहा कि न सिर्फ कांग्रेस की लिस्ट बीजेपी से पहले आई, बल्कि उससे ही एहसास हो गया था कि पार्टी इस बार सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में है। ये कमलनाथ की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने संगठन के अलावा हर निष्पक्ष एजेंसी से मध्य प्रदेश की हर एक सीट का सर्वे कराया और गुटबाजी से दूर रखकर टिकटों को बांटा। इस बार मध्य प्रदेश में तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा युवाओं को मौका दिया गया और काफी युवा पहली बार विधायक बने हैं। चुनाव प्रचार शुरू होते ही कमलनाथ की तरफ से खेले गए मास्टर स्ट्रोक ने बीजेपी को आखिरी तक मैदान से दूर ही रखा और वो मास्टर स्ट्रोक था सीएम के साले संजय मसानी को कांग्रेस में शामिल करवाना। इस झटके से कांग्रेस को भले ही वोट या सीट का फायदा ना हुआ हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर गया। प्रचार के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि कांग्रेस बीजेपी के जाल में फंस जाएगी, जो कि हमेशा से होता रहा है, चाहे वो वायरल वीडियो का मुद्दा हो चाहे आरएसएस का मुद्दा। लेकिन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी कमलनाथ ने हर मुद्दे को कमजोर कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस का प्रचार। सुबह और देर रात तक कमलनाथ दिन भर पूरे प्रदेश में हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट लेकर आगे की रणनीति तैयार करते, तो दिन में पूरे प्रदेश का दौरा करते। 72 साल के होने के बावजूद कमलनाथ ने एक एक दिन में 7 से 8 सभाएं की और नतीजा सभी के सामने है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये तस्वीर देखिए, ये चित्र देखिए जो आपके सामने है पूरे मध्य प्रदेश का, और सच्चाई समझिए, सच्चाई अपनाइए, सच्चाई का साथ दीजिए। कांग्रेस का साथ तो आप देंगे, पर साथ साथ आप सच्चाई का साथ देंगे। अपनी हर सभा में कमलनाथ ने किसानों की हालत, युवाओं को रोजगार और महिला हिंसा के मुद्दे को जोर शोर से उठाए। हर भाषण में उनकी शैली एक तरफा संवाद की नहीं बल्कि लोगों से सहज बातचीत की रही। हम कांग्रेस मध्य प्रदेश के विकास का नक्शा बनाएगी, हम व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे और नौजवानों के उज्जवल भविष्य क्या प्रयास करेंगे। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में नया सवेरा लाएंगे। मध्य प्रदेश को लेकर कमलनाथ की सोच बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। जिस तरह से उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास मॉडल को चर्चा में ला दिया है, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को भी उम्मीद है कि 5 साल बाद मध्य प्रदेश का विकास मॉडल लोगों के लिए मिसाल होगा। हमारी इस खास पेशकश कमलनाथ की कहानी में आपने देखा कि कैसे विकास उन लोगों के लिए एक मिशन है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। माना जा सकता है कि कमलनाथ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। वो फैसला आप मध्य प्रदेश में ये फैसला है।